आपको पता है कि आज तक नेहरू गांधी परिवार का एक भी सदस्य चुनाव लड़कर पीएम नहीं बना। जी हाँ, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले बिना चुनाव लड़े ही देश के पीएम बने, जिसकी शुरुआत नेहरू गांधी परिवार से ही हो गई थी। दरअसल जब नेहरू पहली बार पीएम बने तो देश की इच्छा या जनता की रजामंदी से नहीं। 1946 में कांग्रेस ने पार्टी के अध्यक्ष के लिए एक आंतरिक चुनाव किया, जो स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बनता। इस बैठक में गांधी जी, नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफार सहित कई बड़े कांग्रेसी नेता शामिल थे। और क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि पंडित नेहरू ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने, इसलिए 15 में से 12 समितियों द्वारा सरदार पटेल को प्रधानमंत्री के तौर पर चुनने के बावजूद गांधी जी ने नेहरू को अध्यक्ष बना दिया और वो देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए, जबकि उन्हें एक भी समर्थन नहीं मिला था। देश में परिवारवाद का सबसे पहला बीज बोने वाले नेहरू ही थे, जिन्होंने अपने जिंदा रहते ही अपनी बेटी इंदिरा गांधी को आगे बढ़ाया। उनके गुजर जाने के बाद देश का पीएम पद लाल बहादुर शास्त्री जी को सौंपा गया और पीएम बने उन्हें 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि ताशकंद में उनकी रहस्यमय मौत हो गई और इसके तुरंत बाद ही इंदिरा गांधी को पीएम की कुर्सी सौंप दी गई। यानी दोनों बाप बेटी बिना चुनाव जीते, बिना देश का समर्थन हासिल किए ही प्रधानमंत्री बन गए। इंदिरा गांधी की मौत होते ही केवल सहानुभूति के तौर पर प्रधानमंत्री का पद उनके बेटे राजीव गांधी को थाली में परोस कर दे दिया गया और एक और अचयनित इंसान देश का पीएम बन गया। क्या ये देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं था? बतौर पीएम अपने कार्यकाल के कुछ साल बाद यानी 1991 में राजीव गांधी की आत्मघाती बम हमले में मौत होने के बाद पीवी नरसिम्हा राव को बिना चुनाव कराए, बिना समर्थन मिले पीएम पद के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष पद सौंप दिया गया। और फिर इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए साल 2004 में सोनिया गांधी की कठपुतली मनमोहन सिंह को पीएम बनाया गया, जिन्होंने लोकसभा चुनाव तो दूर एमसीडी चुनाव तक नहीं जीता था। सोनिया गांधी ने चालाकी दिखाकर मनमोहन सिंह को पीएम पद तो सौंप दिया, लेकिन राज अपना चलाया। वहीं एक और अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्हें देश की जनता ने चुना और अपना प्रधान सेवक बनाया। 1984 में महज 2 सीटों तक सीमित रह जाने वाली भाजपा 1996 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार का चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी बने। अटल जी के पसीनों पर चलते आ रहे पीएम मोदी, जो बिना परिवारवाद के अपने दम पर और गुजरात में अपने काम के बल पर सत्ता तक पहुंचे और पूरी बहुमत के साथ देश के प्रधान सेवक बने। कहने को कांग्रेस ने 70 साल तक देश पर राज किया, गांधी परिवार को देश की कमान कई बार मिली, लेकिन जनता के भरोसे से नहीं बल्कि गांधी सरनेम से, परिवारवाद के चलते लोकतंत्र को कुचल कर जनता का भरोसा जीता है पीएम मोदी ने। इसलिए उन्हें जनता ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार चुना और आज भी पीएम मोदी देश की पहली पसंद है।